बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हम सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो है हमारी डिस्कशन हो रही है, तो इस लेक्चर के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर जो प्रोग्राम है उसके अंदर जो हमारे पास एरर है वो क्या चीज़ है, और वो कब एरर जो है वो अकर करते हैं जब हम प्रोग्राम को राइट कर रहे होते हैं ड्यूरिंग राइटिंग प्रोग्राम या सी स्टेटमेंट, और उन एरर्स को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं और उनका जो रिमूवल है उसको हम क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एरर बेसिकली क्या चीज़ होती है। तो एरर बेसिकली प्रॉब्लम होती है दैट अकर्स इन प्रोग्राम, ठीक है, कि प्रोग्राम को राइट करने के दौरान जो मिस्टेक्स, जो फॉल्ट्स, जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम एरर बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसी भी मतलब एबनॉर्मल जो आपका प्रोग्राम है उसके अंदर अकर करता है, और एक्सपीरियंस जो डेवलपर्स होते हैं दे कैन इजीली फाइंड आउट दीज फॉल्ट्स, ठीक है, मीन के काफ़ी जिनके एक्सपीरियंस हो चुका होता है। और इस एरर जो है उसको हम बग भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन उन एरर्स को रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको हम डीबगिंग बोलते हैं, ठीक है, कि ऐसा प्रोसेस के जिसके अंदर हम जो प्रोग्रामिंग एरर्स हैं या बग्स हैं या फॉल्ट्स हैं उनको हम फाइंड आउट करने के बाद उनको डीबग करते हैं, तो जो यानी कि रिमूव करते हैं, तो ऐसा प्रोसेस डीबगिंग कहलाता है। सो मीन दैट के जो एरर अकर करते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर या स्टेटमेंट के अंदर, उन एरर्स को हम बग बोलते हैं, और ऐसा प्रोसेस के जिसके अंदर हम उन एरर्स को रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को हम डिबगिंग बोलते हैं। तो बेसिकली एरर्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और उनकी रीजंस भी डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो आज हम उन एरर्स को डिस्कस करते हैं जो कि सी प्रोग्राम के अंदर जो है वो आ सकते हैं। उसमें जो सबसे कॉमनली हैं एरर जो हैं वो सिंटैक्स एरर है, ठीक है, नेक्स्ट रन टाइम एरर है, लिंकर एरर है, लॉजिकल एरर, तो इसमें उसके बाद सिमेंटिक एरर है। लेकिन जो सेकंड ईयर है इसके अंदर या जो बेसिक है, बेसिक सिंटैक्स रन टाइम और सिंटैक्स रन टाइम और लॉजिकल, बेसिकली ये थ्री एरर्स होते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि सिंटैक्स एरर क्या होता है। सिंटैक्स एरर बेसिकली एक ऐसा एरर है जो उस वक्त अकर करता है कि जब हम प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी ड्यूरिंग कंपाइलिंग। तो बेसिकली ये क्यों अकर करता है, इसकी रीज़न ये है कि सिंटैक्स एरर उस वक्त आता है कि जब आप अपना जो प्रोग्राम है उनके अंदर कोई मिस्टेक करते हो, ठीक है, कि ड्यूरिंग राइटिंग अ प्रोग्राम आप हेडर फाइल को मिस कर देते हो, आप जो है उसमें सीक्वेंस जो है मीन के सबसे पहले हमारे पास हेडर फाइल होनी चाहिए, फिर मेन फंक्शन होना चाहिए एंड आफ्टर दैट सी स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, तो उस सीक्वेंस को अगर हम फॉलो नहीं करते तो जो एरर अकर करता है उसको हम सिंटैक्स एरर बोलते हैं। तो सिंटैक्स एरर जो उसके एक ये भी रीज़न है कि हेडर फाइल अगर हम नहीं लिखते, उसके बाद अगर हम एंड पे सेमी कॉलन नहीं लगाते, हम इसको देखते हैं वन बाई वन कि ये क्या होते हैं किस तरह से। तो बेसिकली जो सिंटैक्स एरर है ये उस वक्त अकर करता है कि जब हम सिंटैक्स के अंदर मिस्टेक करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें कि फॉर एग्जांपल कि हमने जब भी कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करवाना है, तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है, तो उसमें सिंपली यही होगा कि इंट ए और उसके बाद सेमी कॉलन। अब देखें यहाँ पे उसने जो है दूसरी तरफ हम जो है मतलब कि इंट ए जिसमें आई जो है वो कैपिटल है, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। सो इट मीन्स दैट कि अगर हम इस तरह से लिखेंगे कि स्मॉल की बजाय कैपिटल लेटर्स में आई डालेंगे, तो देन बेसिकली जो कॉमनली एरर जो अकर कर सकते हैं सी जो है प्रोग्राम के अंदर, वो सबसे पहला पैरेंथीसिस है। पैरेंथीसिस का एरर कब अकर करता है कि जब हम पैरेंथीसिस को नहीं लिखते, मीन जो कर्ली ब्रेसिस हैं इनको कोड के जो है अंदर नहीं लिखते, यूज नहीं करते, ठीक है जी। सेकेंड ये है कि डिस्प्लेइंग दी वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल विदाउट डिक्लेरेशन, कि हम किसी भी जो वेरिएबल है उसको डिक्लेयर किए बगैर डायरेक्ट वैल्यू उसको असाइन कर दें, लाइक कि हम इंट ए जो है
उसको मतलब यूज़ किए बगैर हम डायरेक्ट लिखें ए इज़ इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 6, सो जो एरर अकर करेगा वो हमारे पास सेंटेक्स एरर होगा। जो थर्ड जो एक काज हो सकता है या वजह हो सकती है वो ये भी हो सकती है कि इफ़ यू मिस दी सेमी कॉलन, सेमी कॉलन हम अगर मिस कर देते हैं बिल एंड पे स्टेटमेंट के, तो देन जो एरर अकर कर सकता है दैट दैट शुड बी सेंटेक्स एरर। ठीक है, तो बेसिकली सेंटेक्स इसमें मीन टू से दैट कि ये 3 or 4 जो ऐसी रीजंस हैं जिनकी वजह से जो है सेंटेक्स एरर अकर कर सकता है। तो ये नीचे कोड लिखा हुआ है, इसमें ये चीज़ें मेंशन है कि लाइक सबसे पहला कि अगर हमने इस देखें इस वेरिएबल को हमने डिक्लेयर नहीं करवाया, ठीक है, और हम डिक्लेयर करवाए बगैर ही हमने इसको यूज़ कर दिया, सो इस वजह से जो एरर अकर करेगा वो भी आपके सामने है। ठीक है, एरर तो वो कह रहा है कि एरर ए अनडिक्लेयर को मीन टू से इसमें उसको डिक्लेयर नहीं किया गया, सो एक ये भी रीज़न थी। सेकंड जो है कि हमने सपोज उसको डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन कंडीशन प्रॉपर नहीं लगाई, लाइक कंडीशन की जगह पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, कि इफ़ एंड स्मॉल ब्रेसिस हैं इनके अंदर सिंपली डॉट लगाया हुआ है, तो ये भी एक सेंटेक्स एरर है कि जब हम प्रॉपरली जो है सीक्वेंस के साथ नहीं करते तो इसकी आउटपुट क्या आती है, ये भी आपके सामने है कि ठीक है एरर जो है एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन बिफोर डॉट टोकन। ठीक है, कि इफ़ एंड स्मॉल ब्रेसिस के अंदर ये जो डॉट है इसकी वजह से भी एरर अकर कर सकता है। रन टाइम एरर क्या होता है, अब नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड टाइप, रन टाइम एरर्स अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम इवन आफ्टर द सक्सेसफुल जो है कंपाइलेशन। ठीक है, बेसिकली रन टाइम एरर एक ऐसा एरर है जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम कंपाइल तो हो जाता है लेकिन प्रॉपर हमें आउटपुट नहीं देता, मीन के जब हम उसको रन करते हैं, जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो उस टाइम हमें आउटपुट नहीं देगा लेकिन प्रॉपर जो है वो कंपाइल हो जाएगा, एरर हमें स्क्रीन के ऊपर कोई भी जो है वो शो नहीं होगा। तो इसकी एक ये भी रीज़न होती है। एग्जांपल सबसे पहले हम देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। लाइक ये एग्जांपल है कि जिसमें इंटीजर टाइप का कोई भी वेरिएबल है और उसको जीरो पे डिवाइड किया गया, तो इसकी जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो ये है कि जब हम किसी भी वैल्यू को जीरो से डिवाइड करते हैं तो ऐसे केस में जो एरर अकर करता है उस एरर को हम क्या बोलते हैं, उस एरर को हम रन टाइम एरर बोलते हैं। ठीक है, सपोज हम हेडर फाइल जो है मिस कर देते हैं तो वो भी इसी कैटेगरी में फाइल करेगा। थर्ड इसकी ये नीचे इसकी एग्जांपल जो है उसको रन करने के बाद प्रॉपर अब दिखाया गया। तो मीन टू से कि ये एक ऐसा एरर है कि जिसके अंदर प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है उसमें एरर शो नहीं करता बिकॉज कंपाइलर कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ एरर। ठीक है, तो इसकी आउटपुट हमें नजर नहीं आती। ठीक है, जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं उसके बाद है जी लिंकर एरर, हम इसको नहीं देखेंगे, इसको नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जो एरर की टाइप है दैट इज अ लॉजिकल एरर। ठीक है, लॉजिकल एरर क्या होता है, लॉजिकल एरर इज एन एरर दैट लीड्स टू एन अनडिजायर आउटपुट। ठीक है, दिस एरर प्रोड्यूस दैट इनकरेक्ट आउटपुट बट दे आर एरर फ्री नाउन एज लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर्स कब अकर करते हैं कि जब हम प्रोग्राम की लॉजिक में कोई भी जो गलत चीज़ है मीन जो है वो यूज़ करने लगते हैं, मीन टू से कि जब हम किसी भी वैल्यू को कोई भी मैथमेटिकल जो फार्मूला है हम उसको गलत लिख देते हैं, इसमें हार्डवेयर का एरर जो है वो भी इसकी रीज़न हो सकती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, हम उन एग्जांपल को देखते हैं कि हमारे सामने एक एग्जांपल है, कोड लिखा हुआ है जिसमें इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल सम है और इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल के है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको फॉर लूप के अंदर लगाते हैं, तो इसमें लॉजिकल एरर अकर कर रहा है। उसकी रीज़न भी साथ में मेंशन है कि लॉजिकल एरर की क्या रीज़न है कि हमने लूप के एंड पे यानी ये जब क्लोज हो रहा है तो ब्रैकेट के एंड पे हमने क्या किया है, हमने जी सेमी कॉलन लगा दिया है, तो इसकी वजह से जो एरर अकर करेगा वो भी इसी में आ सकता है, इसी कैटेगरी में फॉल कर सकता है। ठीक है, कि जब हम प्रोग्राम को हम प्रॉपर तरीके से उसमें जो है उसकी लॉजिक्स को ही चेंज कर देते हैं, ठीक है, कि मैथमेटिकल फार्मूला जैसे मैंने कहा उसको हम गलत लिख देते हैं या उसके अलावा और क्या हो सकता है,
सब लाइक इन द अबव कोड वी आर ट्राइंग टू प्रिंट द सम ऑफ 10 डिजिट्स बट वी गॉट द रॉन्ग आउटपुट एज वी पुट द सेमी कॉलन. ठीक है, कि ये जो हमारे पास कोड था वो 10 वैल्यूज़ को, यानी मीन टू से 1 से लेकर 10 तक उनको उसने प्लस करना था, लेकिन हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, पूरा हमारा जो प्रोग्राम है वो गलत हो गया. तो बेसिकली ये जो एरर्स हैं, जैसे कि लाइक लॉजिकल एरर की हमने बात की, तो ये उस वक्त अकर करेगा जब हम प्रोग्राम की लॉजिक को गलत लिखेंगे. सो इसको हम दोबारा से एक दफ़ा देखते हैं कि हमने यही देखा कि जो सेंटेक्स एरर है वो उस वक्त अकर करता है कि जब हम सेंटेक्स को गलत लिखते हैं. रन टाइम एरर उस वक्त अकर करता है कि जब हमने किसी भी वैल्यू को ज़ीरो पे डिवाइड कर दिया. ठीक है, और ये वाला एरर जो है हमारे पास लॉजिकल एरर उस वक्त अकर करता है जब हम प्रोग्राम की जो लॉजिक है उसको गलत लिखते हैं. मीन किसी भी मैथमेटिकल फार्मूले को गलत कर दिया, हार्डवेयर की कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी इसी कैटेगरी में फॉल करेगा. तो ये तो थे एरर्स और एरर्स की टाइप्स. ठीक है, या हम इसको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं बग एंड जो है रिमूवल ऑफ बग. हम इनको रिमूव जो है बड़ी इजीली कर सकते हैं अगर हम जो प्रॉपर सेंटेक्स है उसको फॉलो करते हैं. तो अब इसके बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्रॉपर जो है सी लैंग्वेज की तरफ आगे बढ़ेंगे कि उसमें कीवर्ड्स क्या हैं, उसके अलावा हम वैल्यूज़ को सम कैसे करते हैं, दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और बाकी सारी चीज़ें. ठीक है, तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.